आजकल हर कोई कंप्यूटर में जॉब करना चाहता है, पर सबसे पहले कंप्यूटर में जॉब करने के लिए ज़रूरत होती है और वो है टाइपिंग स्पीड की। और फिर सब लोग टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत ढंग से प्रैक्टिस करते हैं, उसी की वजह से उनकी टाइपिंग स्पीड कभी बढ़ नहीं पाती है। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके लिए टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के 7 टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ, जिससे आप कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड को बढ़ा पाएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस किए बिना आखिरी तक देख लेना और ठीक से समझ लेना, फिर उसके बाद अपने टाइपिंग स्पीड को आप आसानी से बढ़ा सकते हो, 2 गुनी से 4 गुनी, 4 गुनी से 8 गुनी तक बढ़ा सकते हो। तो ध्यान से देखना और ठीक से समझ लेना, तभी आप अपने टाइपिंग स्पीड को बढ़ा पाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं टिप नंबर 1 की। तो टिप नंबर 1 है कीबोर्ड पे मिडिल रो और होम रो। तो टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कीबोर्ड पे ध्यान से देखोगे तो F और J ये दोनों अल्फाबेट के ऊपर एक उभरी हुई लाइन नजर आएगी, जो कि ये कीबोर्ड की मिडिल रो या होम रो पर होती है। मतलब जब कभी भी आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपकी उंगलियां इन दोनों पे और बाकी उंगलियां होम रो पर होनी चाहिए, और आपको बार बार कीबोर्ड पे ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर कौन सी कीज पर हैं। और होम रो पर फिंगर कुछ इस तरीके से रखनी चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लिटिल फिंगर ए पर रखनी चाहिए, उसके बाद रिंग फिंगर एस पर होनी चाहिए, और मिडिल फिंगर डी पर रखनी चाहिए, और फर्स्ट फिंगर एफ पर होनी चाहिए। और ठीक उसी तरह दाहिने हाथ की उंगलियों को भी उसी तरह रखनी चाहिए, लिटिल फिंगर सेमी कॉलम पर रखनी चाहिए, उसके बाद रिंग फिंगर एल पर रखनी चाहिए, और मिडिल फिंगर के पर रखनी चाहिए, और वहीं फर्स्ट फिंगर को जे पर रखनी चाहिए। इस तरह शुरुआती कुछ दिनों में आपको मिडिल रो की प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए ऑनलाइन टाइपिंग की अलग अलग वेबसाइट आती हैं जिससे आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। टिप नंबर 2, कीबोर्ड पे टॉप रो और बॉटम रो। अब हमने मिडिल रो देखा, इसके बाद आपको टॉप रो और बॉटम रो की प्रैक्टिस करनी होगी। बस उसके लिए इस तरह से फिंगर को सेट करना है। तो टॉप रो के लिए बाएं हाथ से शुरुआत करते हैं। लिटिल फिंगर क्यू पर रहेगी, उसके बाद रिंग फिंगर डब्ल्यू पर होगी, और मिडिल फिंगर ई पर रहेगी, और फर्स्ट फिंगर आर पर रहेगी। और ठीक उसी तरह दाहिने हाथ की भी फिंगर आपको यू आई पी ओ पर रखनी है, आप वीडियो पे देख सकते हैं। अब बॉटम रो के लिए बाएं हाथ से शुरुआत करते हैं। तो लिटिल फिंगर से आपको जेड को दबाना है, उसके बाद रिंग फिंगर से आपको एक्स को प्रेस करनी है, मिडिल फिंगर से आपको सी को प्रेस करनी है, और फर्स्ट फिंगर से आपको वी को प्रेस करनी है। और फिर ऐसे ही आपको टॉप रो और बॉटम रो की भी प्रैक्टिस करनी है बार बार। टिप नंबर 3, कीबोर्ड पर बार बार ना देखें। टाइपिंग करते समय आपको कीबोर्ड पे बार बार नहीं देखना है। उंगलियों को सेट करने के बाद आप उसे धीरे धीरे टाइपिंग करेंगे तो भी चलेगा, पर आपको कीबोर्ड को बिल्कुल भी नहीं देखना है। जो भी कीज आप टाइप कर रहे हो वो आपको आपके मन में ही उसे बोलना है। अब आप बोलोगे इससे होगा क्या, तो इससे आपके सब कॉन्शियस माइंड में याद रहेगा कि कौन सी फिंगर किस कीज पे जानी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग करना सिर्फ हाथों का काम नहीं है, वो दिखता हाथों का है पर काम तो दिमाग ही करता है, क्योंकि दिमाग ही हाथों को संकेत भेजता है। टिप नंबर 4, टाइपिंग करते समय बैठने का सही तरीका। टाइपिंग के लिए कैसे बैठना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बात है, क्योंकि टाइपिंग बढ़ाने के लिए आपको कई घंटों की प्रैक्टिस लगती है। आप आगे झुक के कभी भी टाइप करने की कोशिश ना करें। कंप्यूटर की स्क्रीन और आपके बीच लगभग 45 सेंटीमीटर का अंतर रखने की कोशिश करें, और अपनी हथेली को 90 डिग्री में ही रखें, ज़्यादा नीचे और ऊपर ना रखें। स्क्रीन का ब्राइटनेस आपके हिसाब से एडजस्ट कर लें, ज़्यादा और कम ब्राइटनेस आँखों को तकलीफ दे सकता है। टिप नंबर 5, सेंटेंस प्रैक्टिस। टॉप रो, होम रो और बॉटम रो, इन सभी की प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये सेंटेंस की खास बात यह है कि इसमें ए टू जेड ये सारे अल्फाबेट आते हैं। तो नोटपैड ओपन कीजिए और चालू कीजिए इस सेंटेंस की प्रैक्टिस। टिप नंबर 6, शिफ्ट एंड इंटर बटन प्रैक्टिस। हर एक सेंटेंस का पहला अल्फाबेट कैपिटल यानी बड़ा होता है, तो आपको इसे ध्यान में रखकर शिफ्ट बटन के साथ हर एक अल्फाबेट को टाइप करके प्रैक्टिस करना चाहिए। ध्यान रहे कि जब आप लेफ्ट साइड के अल्फाबेट टाइप कर रहे हो तो राइट साइड का शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए, और राइट साइड के अल्फाबेट के लिए लेफ्ट साइड का शिफ्ट बटन दबाना चाहिए, और साथ में राइट साइड इंटर और शिफ्ट बटन के पास जो कीज है उनका अलग से प्रैक्टिस करें, ताकि वो भी सेंटेंस में आने के बाद आपके दिमाग से तुरंत सिग्नल पास होके आपसे वो टाइप हो जाए।
टिप्स नंबर 7, पेशेंस और कॉन्सेंट्रेशन। अब ज्यादा जोर से या फ्रस्ट्रेट होकर टाइप करने से टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगा, बल्कि उल्टा टाइपिंग की एक्यूरेसी कम होगी। इसीलिए कीबोर्ड से उंगलियां हल्के हाथ से चलाएं और नाखूने से टाइप करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। टाइपिंग करते समय किसी से बात ना करें और जो सेंटेंस या वर्ड आप टाइप कर रहे हैं उसके आगे आने वाले शब्दों को पूरे दिमाग में स्कैन कर लें, और इस तरह पूरी मेहनत और लगन के साथ आप अपनी टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो आपकी भी टाइपिंग स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाएगी।